जी, मैं आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि NOS के मार्कशीट कैसे डाउनलोडिंग कैसे पता करें कि कहाँ है, या आपका रीजनल सेंटर पे है या फिर स्टडी सेंटर पे या फिर डाक पोस्ट द्वारा आपके होम एड्रेस पे पहुँचाया जा रहा है। तो हम आज उसी को देखने वाले हैं कि हम कैसे चेक करें कि मेरा मार्कशीट अभी कहाँ पहुँचा है या है कहाँ, जो उसको हमको पता करना है। कैसे पता करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक कोई क्रोम ब्राउजर खोल लेंगे या कोई भी वेबसाइट खोल लेंगे, चाहे गूगल हो गया या फिर जो भी जिससे आपके मोबाइल पे चलता हो, उसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमको सर्च में करना है, सर्च में लिखना है हमें, जैसे किसी भी इसमें एक चीज ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा स्टेट से आप एग्जाम दिए थे या रीजनल सेंटर आपका कहाँ है, वो रीजनल सेंटर का नाम डालना पड़ेगा। तो जैसे आप बिहार से हैं तो NOIS बिहार कीजिएगा, या एन जो यूपी है तो NOIS यूपी कीजिएगा। जैसे मैं भी NOIS भोपाल का चेक करके बता रहा हूँ आपको, मध्य प्रदेश का। तो मैं सबसे पहले ये सर्च करूँगा NOIS भोपाल। ये सर्च करने के बाद हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मेरा एक दूसरा साइट खुल के आ जाएगा। जैसे ही दूसरा साइट ओपन होगा, ओपन होते ही आपको लिखेगा सबसे होम NOIS। तो आपको इसमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको एक नया और साइट खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है राजमुख विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था। जैसे इसमें आप देखिएगा इस साइट में जो रीजनल सेंटर भोपाल, तो आप जिस भी स्टेट से कर रहे हैं उस स्टेट का लिखा रहेगा रीजनल सेंटर। जैसे अभी यूपी से कर रहे हैं तो यूपी रहेंगे, यूपी का जो आपका स्टेट लखनऊ है या जो भी है, यूपी बिहार के होंगे तो पटना होंगे, तो उस ऐसे लिखा होना आएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा होम लिखा हुआ, होम के बाद अबाउट लिखा हुआ, अबाउट का प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। उसके जस्ट साइड में एग्जाम ऑब्लिक रिजल्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन खुल के आ जाएगा, एग्जाम रिजल्ट, रिजल्ट के बाद एक लिखेगा पास डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच डिटेल्स। आप इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक करते ही आपको एक नया पेज को पेज खोल के आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है, जैसे यह पास डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच स्टेटस दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ इनरोलमेंट नंबर डालना है। जैसे यहाँ इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, यहाँ जैसे कोई भी आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है उसको डाल करके यहाँ सर्च करना है। यहाँ सर्च करते ही आपका फर्स्ट में नाम आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा आपका, जो भी कोर्स किए वो आ जाएंगे, स्टडी सेंटर कहाँ है वो आ जाएंगे आपका। उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर है ये आ जाएंगे। उसके बाद ये आपका यहाँ दिखा रहा है पोस्ट स्पेस नंबर। अब इसके जस्ट नीचे ही आप इनरोलमेंट नंबर डाल के चेक कीजिएगा तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा मिलता है, जो ऑफिस का होता है वो ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे आपको हम दिखा देंगे अभी वीडियो में, तो ये ट्रैकिंग नंबर आपको को वो नोट कर लेना है। वो ट्रैकिंग नंबर नोट करके आपको फिर दूसरा साइट पे जाना पड़ेगा। वो साइट आपका जो पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग नंबर जो होता है उसमें जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, एक बच्चेगा यहाँ मेरा लिखा हुआ गया, इसमें क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करते ही हम मेरा एक सामने एक नया विंडोज खुल के आ गया। मुझे यहाँ लिखा ट्रैक, ट्रैक में सेकंड नंबर में नोट करना है ट्रैक। इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मेरा एक नया विंडोज खुल के आ जाएंगे। मेरा एक नया विंडोज खुल के खुली, थोड़ा नेट स्लो का होने के कारण थोड़ा लेट हो रहा है। मेरा विंडोज यहाँ देखो खुल के खुल गया, एक विंडोज खुल के आ गया। इसमें लिखा हुआ ट्रैकिंग ट्रैक कंज्यूमेंट। इसमें आप यहाँ इंटर योर नंबर, वो जो आप कॉपी किए थे उसको आपको यहाँ पेस्ट कर देना है।
ये आप यहाँ पेस्ट कीजिएगा, या फिर आप नोट किए थे या नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कैप्चर कोड, अब ये कैप्चर कोड यहाँ डाल लीजिएगा, मेरा है ये, आपको जो भी होगा कैप्चर उसको डाल के सर्च कर लीजिएगा। सर्च करते ही आपका ये पूरा एड्रेस दिखाने लग जाएगा कि अभी कौन सा डेट पे कहाँ पहुँचा है, किस जगह डिस्पेस हुआ, कहाँ रिसीव हुआ, या आपका डॉक्यूमेंट जा कहाँ रहा है, आपको यहाँ पूरा डिटेल्स दिखाएगा। तो आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक करने के लिए इस मतलब वहाँ से आपको जाके चेक करना पड़ेगा, जो ट्रैकिंग नंबर होगा वो ट्रैकिंग नंबर से आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स है कहाँ और जा कहाँ रहा है, या आपके स्टडी सेंटर आ रहा है, या रीजनल सेंटर पे है, या होम एड्रेस पे जा रहा है। तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं।